वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो यार चक्कर ये है कि अभी मैं मौजूद हूँ सबवे में, देख सकते हैं आप। तो अभी जॉब का टाइम है, तो सबसे पहले आपके मैंने ओपनिंग की थी, ठीक है। तो सुबह सुबह का टाइम है, तो एक कस्टमर आया था, ठीक है। एक कस्टमर ने तकरीबन 2000 की सेल करवाई हमारी, ठीक है। फर्स्ट कस्टमर था मॉर्निंग शिफ्ट का। मैं आपको रूटीन दिखाऊँगा सबवे की, तो सबवे में हम क्या क्या करते हैं। बाकी यार ये है कि शांत एरिया है, एक लड़का ऊपर किचन में काम कर रहा है, मैं नीचे कैश रहा हूँ, ठीक है। तो आज मेरी ड्यूटी नीचे है, सब ये आपको दिखाता हूँ। तो मेन ये है कि अभी देखिए बिल्कुल शांत एरिया है, आराम से बैठे हुए हैं, चिल माहौल है। ये चेक करें, कोटली रोड के सामने मीरपुर में सबवे है। ये है हमारी लिफ्ट, अभी यहाँ से सामान आएगा। ये चेक करें, सामान आ चुका है। ये ग्रीन पेपर, तो ये ऊपर से बना के भेजा है लड़के ने। ये चेक करें, ये अभी लगाऊंगा जाके मैं वहाँ पे अंदर चिलर में। तो अभी उठाते हैं ये भी, और ये भी लेके जाते हैं वहीं पे। ये है डिटेल, यहाँ पे अभी मैंने ऑर्डर पंच करना होता है, ठीक है। ये बीज वगैरह है हमारे पास, जैसे कोई कस्टमर आता है उसको हम ये चीज़ें बना के देते हैं। ये हमारे पास एक कॉफ़ी आई है नई, तो इसमें बड़े अच्छे अच्छे फ्लेवर होते हैं। चाय भी होती है, कड़क चाय, कश्मीरी चाय, हर किस्म की चाय। तो अभी लड़का ऊपर से कोई आता है, दानियाल भाई जो हमारे एक्सपर्ट हैं, लास्ट वीडियो में थे, तो वो नीचे आते हैं, उनसे गप शप करते हैं। और ये चेक करें, एसी चल रहा है, एक मस्त माहौल है। ये चेक करें बाहर का माहौल, आप चेक करें। अभी एक लड़का ऊपर से बुला रहा है, कहते हैं बात सुनते हैं उसकी। जी भेजे ना, भेजा ना भेजी। यार बड़ी मजे की जॉब है, ठीक है। तो मैं इससे मुतमईन हूँ, तो पूरा दिन सुकून होता है, कभी ऊपर कभी नीचे, मज़े की जॉब है। जब कस्टमर आता है तो वो उसमें ज़्यादा मज़ा आता है, थोड़ा सा रौनक लगती है। क्या सब है, मुझे अपने दिल से मतलब ज़्यादा अच्छा लगा है, दिल से मुझे पसंद आया सब वे में काम करना। बाकी भी हमारा डिलीवरी वाला सिस्टम है, ये इसके लिए अलग लड़का होता है, और इसी सबवे का लोगो। जैसे कोई कस्टमर आता है तो वो भी आपको दिखाएंगे। आपको दिखाता हूँ मैं सिक्योरिटी गार्ड, जो सिक्योरिटी गार्ड है वो देखें, छुप छुप के देख लिया हम चाचे को। चाचा गप शप नहीं लगा रहा, चाचा पता नहीं क्या देख रहा है। आज जो सबवे है हम लोग तकरीबन 8:30 ओपन कर देते हैं, ठीक है। और अगर आप मीरपुर या कश्मीर में हैं तो आपको डिलीवरी भी मिल जाएगी, फूड पैंडा के ज़रिए डिलीवरी भी है, डिलीवरी भी करते हैं फूड पैंडा के ज़रिए। आप खुद भी ऑर्डर कर सकते हैं ऑनलाइन। फिर हमारी पूरे दिन होती है, जो फूड पैंडा है वो हमारा 11 से लेकर रात को तकरीबन 10-11-12 बजे तक ओपन रहता है, ठीक है। बाकी ये है कि यार अभी कोई कस्टमर नहीं आ रहा, और जैसे कोई आता है फिर आपको छोटा सा क्लिप दिखाएँगे कस्टमर का, उसके बाद फिर मैं जाके चीज़ें बनाऊँगा, वो भी फिर मैं आपको दिखाऊंगा कैसे बनाता हूँ। हाँ एक और चीज़, जो हमारे पास जो होता है ना सबवे में, जो सैंडविचेस होते हैं, सैंडविच बर्गर नहीं होते, नो पिज़्ज़ा नो बर्गर, ओनली सैंडविच होते हैं एंड सैलड्स होते हैं, यानी कि वेजीज वगैरह चिकन वगैरह आप मिक्स करके सैलड बना सकते हैं और सैंडविच वगैरह बनवा सकते हैं, ठीक है। हमारे पास होते हैं ब्रेड्स होती हैं ब्रेड्स, तो उसको हम कट करके अंदर ये चीज़ें डालते हैं, वेजीज वगैरह सब्जियाँ चिकन, तो बाकी ऊपर सॉसेज वगैरह ये सैंडविच बन देता है, तो बड़े मज़े का बनता है, अफोर्डेबल है, आप लोग भी आ सकते हैं। हाँ जो यार उसके बाद जो इस सबवे की जो लोकेशन है, ये कोटली रोड KFC के सामने बिल्कुल, तो KFC के बिल्कुल सामने ये सबवे है, ठीक है। तो आप लोग विजिट लाजमी करें। मैं अगर कोई भाई मिलना चाहता है मीरपुर का, ठीक है, सबवे में आए जहाँ से भी आए, ठीक है, सबवे में आके मिलना चाहता है तो बेशक आज मिल सकता है। मैं इधर ही होता हूँ मॉर्निंग शिफ्ट में, सुबह 8 से लेकर 5 बजे तक आना जाता है, मिलना जाता है, तो मिल सकता है, तो आपको भरपूर वेलकम किया जाएगा। जी बिस्कुट ले के तो यही जगह दानियाल भाई ने बिस्कुट मंगाए थे।